आईफोन है ये टट्टी है, ये जियो का फोन लेके घूम रहे हैं। भाई तू खरीद लेना, तेरे बस की है तो। तू आगे बोल रहा है, इसलिए गाइस क्योंकि अभी मेरे को मंकू की कॉल आई थी, मंकू गया था, थोड़ा टाइम स्पेंड साथ में करते हैं। तो अभी हम ऐसी यहाँ मतलब जो है ये फॉरेस्ट कंपाउंड, ये रामनगर का एक पार्क है गाइस, देख सकते हो आप। मतलब पार्क क्या, यहाँ अच्छा व्यू आता है गाइस, बैठने के लिए बहुत शांति मिलती है क्योंकि पूरा देख सकते हैं आप नेचर है गाइस, पूरा जंगल वंगल है पूरा, बहुत दूर दूर तक मतलब 5-6 किलोमीटर में फैला जंगल जंगल। तो यहाँ बैठने आते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। सामने यहाँ अंदर एक पार्क भी दे रखा है, अंदर जाके पीपल के पेड़ के बीच में गाइस वो क्या बोलते हैं पार्क है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं अकेला आ रहा हूँ, ऐसे ही अभी वॉक करते करते आ रहा हूँ, गाड़ी पीछे खड़ी कर रखी थी, अभी वॉक करते करते आ रहा हूँ अंदर। तो गाइस फिलहाल आते हैं, मंकू को आने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फिलहाल अभी देखो सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है गाइस। ये एक रास्ता जाता है गाइस, यहाँ ऑफिसर्स रहते हैं सारे, मतलब इस जगह पे कोई लोकल विलेजेस वाले नहीं रह सकते, सिर्फ वो मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं फॉरेस्ट कंपाउंड के, मतलब जो होंगे जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होंगे वो रहते हैं सिर्फ यहाँ। पूरा जंगल है गाइस, सामने देख सकते हैं आप पीपल का पेड़ है गाइस, यहाँ बहुत ही पेड़ है ये पीपल का। तो सामने गाइस यहाँ पेड़ है और हमें जाना है वहाँ पार्क में बैठने की, दीवार आ रही इसके पीछे है पार्क, देख सकते हैं गाइस यहाँ कितना अच्छा लग रहा है बैठने के लिए, पूरा जंगल ही जंगल है। और ये देखो यहाँ व्यू देखो गाइस, पूरा भूतिया व्यू लग रहा है, और रात को सच में बैंड भी बजती है। और ये देखो गाइस कुछ लड़के बैठी हुई है यार। अभी मंकू तो गाइस कॉल आई थी मंकू की, वो तो आ नहीं रहा, तो अपना अंशु मैं आ चुका है। क्या हाल है अंशु? बढ़िया भाई। क्या करना है, लौंडियाबाजी करने घूमना है? अच्छा घूमने आए थे। तो गाइस फिलहाल हम जाते हैं आगे और चलते हैं, ऐसे ही घूमने घामने आए हैं, तो घूमने आए हैं तो घूमेंगे। क्या कर रही है? घूमते घामते आ गए हैं, अब यहाँ एंड हो चुका है यहाँ, मतलब फॉरेस्ट कंपाउंड का गेट ये देख सकते हैं आप, गेट लगा है। तो हम घूम लिए अंशुमन और ये कुछ भाई लोग। हेलो भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? हेलो भाई। हेलो भाई। भैया भैया क्या हाल है भाई? तूने भाई हमारी पहले भी वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, याद है तेरे को कुछ? भाई मैंने कौन सी वीडियो डाली? कौन सा यूट्यूबर? अरे फर्जी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे आ जाते हैं ये ब्लॉग ब्लॉग शूट करने। क्या है भाई तुम्हारी छपी वाली हरकत? आईफोन है, टट्टी है ये, जियो का फोन लेके घूम रहे हैं। भाई तू खरीद लेना, तेरे बस की है तो। तू आगे बोल रहा है, तू आगे बोल रहा है, तू खरीद लेना। आगे आने के बाद ही फिलहाल भागते भागते हम आ गए। मतलब हम जा रहे हैं घर, आपने देखा अभी, पता नहीं ये लड़के हमसे बेफालतू में लड़ाई करने लग गए थे गाइस। तो फिलहाल अभी हम घर जा रहे हैं कि देख सकते हैं भारत कैसी हो गई बेफालतू में गाइस। जो लड़के पंगे ले रहे थे हमसे बिना किसी मतलब के, हम तो जानते भी नहीं थे गाइस, उन्हें बेफालतू में रोक के कहने लग गए हमसे, करके क्या कर रहे हो तुम्हें ऐसा वैसा मजाक भी बना गाइस। गुलागट्टी का राउंड देते देख लेंगे कल। पता नहीं गाइस कहाँ के लड़के थे, जहाँ के घर की तरफ का था देखा था हमने। अंशु को पता शायद, अंशु की मौसी की घर की तरफ का। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गाइस मूड भी अभी थोड़ा ऑफ हो रहा है, तो अब मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम फिर अभी ढूंढने आएंगे लड़कों से, उनसे पूछेंगे गाइस करें क्या अभी फालतू में हमें काई के लिए पकड़ा। देखते हैं गाइस, बातचीत करेंगे क्योंकि अगली बार पकड़ कमर पे भी पड़ी है। हाँ गाइस कमर है, कमर पे भी पड़ी ये गाइस। अभी भी देखो इसने मार रखा है, पर अभी मजाक कर रहा है। पर गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार वो लड़के बेफालतू में उनसे पंगे नहीं लग गए, उन्हें ढूंढते हैं गाइस, उनसे बात बात करेंगे गाइस, सॉरी और बोल देंगे अगर हमारी कोई गलती होगी। मार दूंगा खोपड़ा। सो गाइस कोई नहीं, अब मिलते हैं सीधा हमारी नेक्स्ट वीडियो।